स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये न्यूज़ देख सकते हो। ये न्यूज़ आपके पेपर में आई हुई, न्यूज़पेपर के अंदर। और ये जो न्यूज़ है, यहाँ पे आप देखना कि आपके 1/7/2021 की न्यूज़ है। इसके अंदर ये बताया गया है यहाँ पे कि जितने भी आपके 10वीं और 12वीं में जो प्राइवेट के जो छात्र होंगे, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये विशेष तौर से उनके लिए न्यूज़ है। जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट है, जो जिसने प्राइवेट फॉर्म भरा था, जो स्कूल नहीं जा रहे थे, घर से बैठकर आपके सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरा है, उनके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। वो विशेष रूप से ध्यान रखना, वो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रखना। उन प्राइवेट स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया गया। बाकी वाले जितने भी रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनको प्रमोट भी कर दिया गया है। और उनका जो रिजल्ट है, वो यहाँ पे जुलाई के अंदर आने की बिल्कुल संभावना है कि आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई के अंदर आएगा। तो मैं एक बार इस स्क्रीन को क्लीन कर देता हूँ, और आप यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स लिखी हुई है वो आप देख सकते हो। मैंने शॉर्ट में सारी डिटेल्स बता दी कि इस न्यूज़ के अंदर यही बताया गया है कि एक तो प्राइवेट स्टूडेंट यहाँ पे प्रमोट नहीं होंगे, और इसके अलावा जो आपका रिजल्ट है, वो रिजल्ट आपके जुलाई अगस्त में आने की संभावना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जुलाई अगस्त में परीक्षा नहीं होगी। ये तो परीक्षा की बात लिखी हुई, लेकिन जो आपके रिजल्ट आने की संभावना है, वो रिजल्ट आने की संभावना आपके इस जुलाई के अंतर्गत है। आप इसी के नीचे देख सकते हो यहाँ पे कि अगस्त में तो यहाँ पे आपकी क्या होगा कि जो परीक्षा होगी, जो प्राइवेट स्टूडेंट थे उनकी परीक्षा होगी, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपके जुलाई के अंदर या फिर अगस्त के अंदर आने की बिल्कुल संभावना है। तो ये विशेष तौर से आप इस सूचना को ध्यान में रखना, और जो भी प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके साथ में ये न्यूज़ ज़रूर शेयर करें।